जनता की समस्याओं के समाधान तथा शासन की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा रोस्टर वार जनपद के गांवों में चौपाल लगाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पाली ब्लॉक के बनौली गांव में बुधवार को सुबह 9 बजे चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना और त्वरित कार्रवाई करने का माथतों को निर्देश दिया। चौपाल में डीएम विजय किरण आनंद ने कहा कि इस विकास खंड के बनौली ग्राम सभा को आदर्श गांव के रूप में बनाया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा लगाए गए चौपाल में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया था, जिससे लोगों को तत्काल लाभ उपलब्ध करा दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, यहाँ प्रेरक स्कूल, प्रेरक स्कूल से प्रेरक ब्लॉक से प्रेरक जिला से प्रेरक मंडल और प्रेरक मंडल से प्रेरक प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय का जब से यहाँ आगमन हुआ है, उन्होंने हम लोग को मार्च तक का समय दिया है कि हर विद्यालय गोरखपुर का जो मार्च तक 80% लक्ष्य कोटा सभी जो यहाँ दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है कि प्रशासन सभी गांव में और कस्बों में जनता के द्वार तक पहुंचेगा, जो सारे विभाग अपने अपने विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रस्तुतिकरण करेंगे, जो दावे आपत्तियाँ हैं वहीं मौके पर हल होगा। इसी कड़ी में ये भी चौपाल लगाया गया था और उसमें ज़मीन संबंधित कुछ समस्याएँ आई थी, कुछ योजनाओं में क्रियान्वयन में कुछ पात्र लोग छूट गए थे, जिसके लिए अभी वहीं शिविर लगा के उनको आच्छादन के लिए प्रयास किया गया है और अवस्थापनाओं में का एक कार्ययोजना बनाई गई है अगले 2 महीने के लिए, वहाँ पे कच्ची गलियों को पक्का बनाने का और वहाँ दोष प्रबंधन अवशिष्ट प्रबंधन के लिए, जिसको अनुश्रवण हम लोग अपने कार्यालय से करेंगे ताकि वो समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए।